हरियाणा में जो परिवर्तन होना है क्या आप मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है ना सबको? कितने दिनों में फैसला होगा? कितने दिनों में? अध्यक्ष पद को लेकर 26 अप्रैल को हाईकमान से मिलकर काफी खुश थे कुलदीप बिश्नोई, मगर ठीक 24 घंटे बाद हाईकमान का फैसला आया तो बिश्नोई गुस्से से लाल पीले हो गए। बिश्नोई का गुस्सा ट्वीट के जरिए सामने आया है जिसमें बगावत की बू आ रही है। हुडा के करीबी कहे जाने वाले उदयभान को अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हीं के एक और समर्थक जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किरण चौधरी की बेटी के साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के चहेतों को भी संगठन में जगह दी गई, लेकिन किसी को यदि नजरअंदाज किया गया तो वो थे कुलदीप बिश्नोई। ऐसे में बिश्नोई का गुस्सा फूट पड़ा है और रात 10 बजे बिश्नोई ने ट्वीट करके अपने समर्थकों के लिए एक पैगाम छोड़ दिया है। साथियों, आपके संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूँ। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूँ। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल गांधी जी से जवाब ना लूं, हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। तो चलिए आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई आखिर हाईकमान के इस फैसले से इतने खफा क्यों हैं। दरअसल 2014 में भाजपा से नाता तोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने 2016 में राहुल गांधी से मिलकर अपनी पूरी पार्टी हजका का कांग्रेस में विलय कर दिया। बिश्नोई को उम्मीद थी कि कांग्रेस हाईकमान उन्हें संगठन में बड़ा पद देगा, लेकिन हाईकमान द्वारा लगातार बिश्नोई को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीते दिन भी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बिश्नोई हाईकमान से मिलने पहुंचे थे और इस मुलाकात के बाद बिश्नोई काफी खुश भी थे, लेकिन 24 घंटे में ही बिश्नोई की खुशी छिन गई और एक बार फिर से उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। तो कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की कलह अभी बाकी है। और वो बात और है कि चौधरी उदयभान को अध्यक्ष पद मिलने के बाद हुड्डा खेमा खुश है और अध्यक्ष पद छिन जाने पर भी कुमारी शैलजा चुप हैं। मगर कुलदीप बिश्नोई शांत नहीं बैठने वाले और इस बात का प्रमाण बिश्नोई ने ट्वीट के जरिए दे दिया है। बिश्नोई का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव में उन्हें नजरअंदाज किया गया है और वो इस बात का जवाब राहुल गांधी से मांगेंगे। बिश्नोई ने अपने समर्थकों से संयम रखने की अपील भी की है और साथ ये संदेश भी दिया है कि राहुल गांधी से अगर संतुष्ट जवाब ना मिला तो बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। उदयभान जी बहुत ही और बहुत मेहनती और धरातल से जुड़े हुए नेता है, इनके अध्यक्ष बनने से संगठन मजबूत बनेगा और कांग्रेस पार्टी में मजबूती आएगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो हुड्डा साहब, जो पहले गुटबाजी होती थी, जो आरोप लगते थे दूसरे विपक्ष से निशाना साधता था कि कांग्रेस गुटबाजी, वो पूरी तरह से दूर हो गया, कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस में। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज कांग्रेस पार्टी की ओर से? यही है भाई, अब शुरू करा, यहाँ से दिन से आज शुरू हो गया इस सरकार के खिलाफ एक संघर्ष हो गया कांग्रेस से। हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस में एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले को गुटबाजी की कार्ड बताया जा रहा है, मगर फैसला आते ही एक खेमा खुश हुआ, दूसरा धड़ा चुप हो गया, तो वहीं तीसरा गुट गुस्से में आ गया है। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होगी ऐसा नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, वो भूपेंद्र सिंह हुडा जो कुमारी शैलजा के साथ कभी कभार दिखते थे, वही हुडा आज न केवल चौधरी उदयभान के साथ खड़े हैं बल्कि उनकी तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बदलाव के बाद पिछले 7 सालों से बिखरा कांग्रेस का संगठन एक बार फिर से मजबूती से बनेगा, क्योंकि संगठन के विस्तार में हुडा ही सबसे बड़ा रोड़ा थे। ऐसे में हुडा गुट के उदयभान को अध्यक्ष बनाकर हाईकमान ने इस कलह की काट निकालने की कोशिश की है। संगठन बनाएंगे, ब्लॉक का, जिला का, अपना पूरा प्रदेश का संगठन बहुत जल्दी तैयार करेंगे और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस आला कमान का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का, साथ ही हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक बंसल जी, दीपेंद्र जी, जिन सब ने मुझे सहयोग दिया इसमें, सारी सब ने जो ये जिम्मेदारी दी है और एक सौगात भी दिया हमारे इस जो हम कह सकते हैं ब्रिज का क्षेत्र हमारा होता है,
कोई में हमारे जो दक्षिण हरियाणा है कभी 50 साल से कभी कोई अध्यक्ष पार्टी का नहीं बना, तो अभी हमारे सौगात दिए उसके भी लोगों में बड़ा भारी उत्साह है और इस सरकार को घेरने के लिए हम हर तरह के जहाँ जहाँ इनकी जो कमियां हैं उनको पूरी तरह से बेनकाब करें। पिछले लंबे समय से कांग्रेस कल ऐसी जूझ रही थी, अशोक तंवर थे, फिर हुड्डा जी के टाइम से भी, अब शैलजा के टाइम से भी ऐसी होता रहा, अब आपकी वजह से कोई गुटबाजी नहीं होगी? कोई गुटबाजी अब है ही नहीं, खत्म होगी। अशोक तंवर तो पहले प्यारे होंगे, नहीं उस टाइम से वो प्यार रहा था? हाँ नहीं, वो तो चले गए पहले कहीं, वो टीएमसी में गए, टीएमसी के बाद में फिर आम आदमी पार्टी, अब फिर पता नहीं कौन सी जगह जाए, उनका तो वो जाने। लेकिन जहाँ तक है बहन शैलजा, वो हमारे वरिष्ठ नेता है, आज भी है, बहुत सम्मान के साथ सारा उनका भी पूरा सहयोग है किसी तरह। हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद की दौड़ में दीपेंद्र हुड्डा थे, कुलदीप बिश्नोई थे और किरण चौधरी का भी नाम आगे चल रहा था। उधर तमाम अटकलों के बीच शैलजा गुट के नेता भी लगातार नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने में जुटे थे। ऐसे में 26 अप्रैल को जब कुलदीप बिश्नोई ने हाईकमान से मुलाकात की और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की, उससे साफ लगने लगा था कि कांग्रेस की कमान कहीं न कहीं बिश्नोई को मिलने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल बिश्नोई की खुशी अब नाराजगी में बदल चुकी है, अब सबकी नजरें कुलदीप बिश्नोई पर टिकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात में क्या बिश्नोई की बगावत थमेगी या गुटबाजी की कलह बदस्तूर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।